सपनों का शहर मुंबई। यार मुंबई की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और यही सब नहीं बल्कि जुहू बीच, गेटवे ऑफ इंडिया और हाजी अली दरगाह। मुंबई में वो सब कुछ है जो एक बड़े शहर में होना चाहिए। रोजगार हो या तेज विकास, मुंबई शहर हर मामले में भारत का नंबर वन शहर रहा है। और दोस्तों, अब सपनों के शहर में विकास को रफ्तार दे रहे हैं मुंबई के 10 मेगा प्रोजेक्ट, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दिल थाम लीजिए और तैयार हो जाइए जानने के लिए मुंबई के टॉप 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के कोपरा पनवेल क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसके बन जाने से नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण सहित दूसरे इलाकों के यात्रियों को फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही मुंबई एयरपोर्ट का लोड भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इस एयरपोर्ट की डिजाइन बनाई है फेमस आर्किटेक्ट कंपनी जहा हदीद ने। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल में यात्रियों को फूड कोर्ट्स, ट्रेवलेटर्स, टैक्सी वे सिस्टम्स, मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी कई सारी फैसिलिटी मिलेगी। ये एयरपोर्ट करीब 10 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा, जिसमें 2 समानांतर रनवे बनाए जाने हैं। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2021 में शुरू हुआ और इसे कंप्लीट करने का टारगेट दिसंबर 2024 रखा गया है। नंबर 9, न्यू जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। दोस्तों, मुंबई के उपनगर नवी मुंबई में ये एक नया और प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी कंफर्मेशन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने हाल ही में दी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत एक पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ पर प्रीसियस जेम्स एंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेलिंग होगी। और इस पार्क का प्रपोजल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन ने दिया है। ये पार्क पहले फेज में 25 एकड़ एरिया में डेवलप होगा और पूरा होने पर 80 एकड़ से ज्यादा एरिया को कवर करेगा। इस पार्क के बनने से 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है और साथ ही 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। और एक उम्मीद आपसे भी है। वीडियो को दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करिए। अब चलते हैं नंबर 8 पर, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे या समृद्धि महामार्ग, इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 701 किलोमीटर और इस दूरी को पूरा करते हुए ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजर रहा है, जिसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, वासिम, बुल्ढाना, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे शामिल है। ये एक 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे है, जिसे EPC मोड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया और फ्यूचर में लोड बढ़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि इस रूट में जितने भी जंगली जानवर पाए जाते हैं, उनकी आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, जिसको ध्यान में रखते हुए जानवरों की सुरक्षा के लिए एनिमल अंडरपासेस बनाए गए। हाल ही में इसके फेज 1 का उद्घाटन हो चुका है, जबकि दूसरे फेज का काम 6 महीनों में पूरा करने का प्लान है। नंबर 7, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जो नवी मुंबई को सीधे नरीमन पॉइंट और लोअर पेरेल से कनेक्ट करेगा। ये एक 21.8 किलोमीटर लंबा एक सी ब्रिज है, जो नवी मुंबई से साउथ मुंबई की कनेक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करंट में 17,800 करोड़ बताई जा रही है और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद नवी मुंबई से नहावा सेवा पोर्ट, मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का 87% वर्क कंप्लीट है और इसे दिसंबर 2023 तक खोलने का प्लान है। तो जितने भी लोग इस ब्रिज पर सफर करने के लिए तैयार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नंबर 6 पर, मुंबई ईस्टर्न वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये मुंबई के सबसे महंगे प्रोजेक्ट में से एक है। ईस्टर्न वाटर फ्रंट एरिया, जो करीब 10 किलोमीटर के एरिया में फैला है, जहां पर 500 हेक्टेयर एरिया को डेवलप करना है, जिसके लिए $45 बिलियन का खर्च आने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेजिडेंशियल एरिया, एजुकेशन फैसिलिटी के लिए भूमि का विकास और पर्यटन के लिए पूर्वी समुद्री तट का विकास शामिल है, जिसमें मरीना, शेरगांव, सार्वजनिक पार्क, साइकिल ट्रेल और वाटर टैक्सी सर्विस आदि
दी जानी है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को लेकर खबर आई है कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी 25 साल का मास्टर प्लान लेकर आने वाली है एक नए पोर्ट और ट्रैफिक सिनेरियो के हिसाब से रीडेवलपमेंट के लिए। इसके लिए टेंडर फ्लोट हो चुके हैं जिसमें बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जाएगा। नंबर 5, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, मुंबई के मेगा प्रोजेक्ट की बात हो और दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट की बात ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि भारत के कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है और इतनी लंबी दूरी को तय करते हुए ये देश के 6 राज्यों से होकर गुजर रहा है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1,00,000 करोड़ बताई जा रही है और इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी NHAI के पास है। इस एक्सप्रेसवे को मार्च 2023 तक खोलने का प्लान है और इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को खोल दें। अब चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4, मुंबई मेट्रो। दोस्तों, साल 2006 में मुंबई मेट्रो महाराष्ट्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर सामने आई और इस क्षेत्र में आज भी वर्क जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि MMR को 322 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन की जरूरत होगी, 2031 तक 423 किलोमीटर और 2041 तक 487 किलोमीटर लंबी लाइन से MMR को कनेक्टिविटी देना जरूरी है। आज इस क्षेत्र में करीब 14 लाइन पर वर्क जारी है, लेकिन दोस्तों ये प्रपोज्ड है कि करीब 356 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बन रहा है, जहां 286 स्टेशन के साथ 14 मेट्रो लाइन और एक मेट्रो लाइट लाइन मुंबई में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगी। नंबर 3, मुंबई गोवा हाईवे। जैसा कि नाम से पता चल गया है कि ये हाईवे मुंबई को गोवा से जोड़ रहा है, तो आपको बता दें मुंबई गोवा हाईवे यानी कि NH66 को 4 लेन तक बढ़ाने के लिए करीब 13,391 करोड़ रुपए का बजट है। इस नेशनल हाईवे 66 की कुल लंबाई 1270 किलोमीटर है, जिसमें से 482 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। कंप्लीट होने के बाद इस रोड पर ट्रक्स के लिए ले बाई लेंस, बस शेल्टर, रेस्ट एरिया, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और टोल प्लाजा के नज़दीक पब्लिक टॉयलेट होंगे। जहां पहले मुंबई से गोवा जाने में 13 घंटे का समय लगता था, वहीं अब इस रोड के बनने के बाद ये सफर 6 से 7 घंटे में हो सकेगा। साथ ही रोड को 4 लेन बनाए जाने से जाम से छुटकारा मिलेगा और रोड पर होने वाले एक्सीडेंट भी काफी हद तक कम होंगे। अगर आपने कभी इस पर सफर किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। जैसा कि सबको पहले से पता है, देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी, जिसके तहत 508 किलोमीटर लंबा रूट बनाया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर होगा उस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ने की उम्मीद है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर अभी स्पीड से वर्क चल रहा है, क्योंकि 2026 तक इसका ट्रायल होना है और 2027 तक इसे आम जनता के लिए खोला जाना है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार सभी भारतवासियों को है और अब बारी है मुंबई शहर के नंबर 1 प्रोजेक्ट की। नंबर 1, मुंबई कोस्टल लोड प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई की पहचान बने बांद्रा बल्ली सी लिंक की तरह अब मुंबई का कोस्टल रोड भी एक अलग पहचान के लिए जाना जाएगा। ये एक 8 लेन चौड़ा 22.2 किलोमीटर लंबा फ्रीवे है, जो मुंबई के पश्चिमी समुद्र तट के साथ साउथ में मरीन लाइंस को नॉर्थ में कांदिवली से जोड़ रहा है। ये साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से जोड़ने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे इन दोनों पॉइंट्स के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 2 घंटे से घटाकर 50 मिनट करने की उम्मीद है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर हमें रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग पथ, जॉगिंग ट्रैक्स, एम्फी थिएटर, बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड जैसी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन जारी है और इसे नवंबर 2023 तक खोलने का प्लान है। तो दोस्तों, ये थे मुंबई के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट। तो सच सच बताइए, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया है कमेंट में उसका नाम लिखें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे वायरल करने के लिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।